I was the manager of Zodiac Productions. मैं Zodiac Production में बतौर मैनेजर मुलाजमत करता था. मुझे मालूम नहीं कि अब इस कंपनी को किस नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि अब मैं उस कंपनी का मुलाजिम नहीं हूँ. ये म्यूजिक इंडस्ट्री की चंद बड़ी कंपनी में शुमार की जाती थी. मजकूरा कंपनी जिन दीगर कंपनियों की मालिक थी उनमें RCA, कोलंबिया रिकॉर्ड्स, मोटॉन रिकॉर्ड्स और जो कंपनी सबको कंट्रोल करती है उसका नाम भी नहीं है. इन कंपनियों के असल मालिक कौन है ये समझना बहुत मुश्किल है. इस कंपनी का नाम ब्रेनर एंटरप्राइजेज है और ये कंपनी चेज मैनहट्टन की मलकियत है और चेज मैनहट्टन स्टैंडर्ड ऑयल की मलकियत है और स्टैंडर्ड ऑयल के मालिक लॉर्ड्स ऑफ लंदन हैं. मैं Zodiac प्रोडक्शन का मैनेजिंग प्रेसिडेंट था. इस दौरान मेरा तारुफ डेविड क्रेसी से हुआ. मैंने उससे मालूम किया कि क्या ये लोग अब भी मास्टर को टेम्पल रूम में लेकर जाते हैं. उसने इस बात में जवाब दिया और कहा कि अब भी ये लोग ऐसा ही करते हैं. फिर मैंने पूछा कि रॉक म्यूजिक की सबसे बड़ी वजह क्या है. उसका कहना था कि इसकी वजूहात तुम अच्छी तरह जानते हो. मैंने कहा अब मैं अंदाजा नहीं लगाना चाहता, तुम ही बताओ. उसने बताया कि वजह वही पुरानी है कि लोगों पर एक किस्म का जादू कर दिया जाए और वो मुकम्मल तौर पर मशहूर हो जाएं. So that we can place spells on people that we couldn't cast spells upon. Elton John का कहना है कि उसने आज तक ऐसा कोई गाना नहीं लिखा जिसमें सहर अंदाज ज़बान इस्तेमाल न की गई. मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि होटल कैलिफोर्निया गाना सबने सुन रखा है. मुझे ये बताइए कि इसका मतलब क्या है. आप ही बताइए कि आपने ऐसे लातादाद गाने सुने हैं जिनके मतलब से आप आगाह नहीं और न ही आपको पता है कि गाने वाला क्या कह रहा है. मजहब दुश्मन ग्रुप दज्जाल के सिस्टम के फरोग के लिए अरसा दराज से सरगर्म है. इस ग्रुप के पास अवाम के जहनों को हमनवा बनाने के लिए मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं जिनमें मीडिया सबसे मुअस्सर जरिया है. मीडिया की मदद से लोगों के जहनों में गैर महसूस तरीके से पैगामात पैवस्त किए जाते हैं. एक गाना जो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी बीवी या खावंद की मोहब्बत में गा रहा है, लेकिन दर हकीकत ये गाना दज्जाल की मदह सराई, इसके सिस्टम और शैतान की इबादत का मजहर है. इसकी ताजा तरीन मिसाल है ब्रिटनी स्पीयर्स का ये मशहूर गाना. और इस गाने में आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से शैतान की इबादत करती है. इस गाने में उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनमें वो कहती है कि वो शैतान से अपनी मोहब्बत को छुपा नहीं सकती और ना ही उसे छुपाने का कोई इरादा रखती है, बल्कि वो तो खुल के इस प्यार का इजहार करना चाहती है. MTV के वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स की तकरीब में वो सांप वाला ड्रेस पहनकर शैतानी इमेज के साथ परफॉर्मेंस देती है जो कि बुक ऑफ जीन्स में भी नुमाया किया गया है. वो सांप के साथ डांस करते हुए पूरी दुनिया के सामने लाइव टेलीविजन पर एतराफ करती है कि वो शैतान की गुलाम है.
ये फनकार कठपुतलियां हैं जिन्हें पर्दे के पीछे से नचाया जाता है और ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। इस शैतानी पॉप म्यूजिक को समझने के लिए हमें पॉप म्यूजिक की मलिका मैडोना के किरदार पर नजर डालनी होगी। इस वीडियो में मैडोना हमारे दिलों और दिमागों पर छा जाने की कोशिश करती है। वो उन नाजरीन को मुखातिब करती है जो शैतान के पैगाम को नहीं समझते। वो उन्हें कहती है कि अब शैतान के हुक्म के आगे मुजाहमत बेकार है। लोग जादू से पहले ही मशहूर हो चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिन्नात जब चाहें अपनी जिस्मानी ताकत तब्दील कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैडोना ने काले परिंदों का इस्तेमाल किया है। शैतान ने मैडोना के गाने के जरिए हम सबको मशहूर कर रखा है। वो अपने गाने में ये पैगाम देती है। अगर मैं तुम्हारे दिल को मोम बना दूं तो हम कभी जुदा नहीं हो सकते। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। कुंजी तो तुम्हारे हाथ में है। इस वीडियो में मैडोना कुत्ते में तब्दील होती है। मैडोना फ्री मेसन की ड्यूटी निभाते हुए रिवायती डांस करती है। हमारी रूहें मैडोना के जिस्म में गुम होने लगती हैं। आप ही बताइए कि आपने ऐसे लातादाद गाने सुने हैं जिनके मतलब से आप आगाह नहीं। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यही एक रास्ता है आजाद होने तक।